अभी हम हैं पेरियार टी प्लांटेशन गार्डन में। हर्बल गार्डन भी है यहाँ, बहुत सारी हर्ब्स हैं। इस वीडियो के बाद आप उसकी क्लिपिंग देख लेंगे कौन कौन से यहाँ पे हर्ब्स हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं बाहर और ये भी मुनार रोड पे ही है। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर गाइड मिल जाएंगे। एंट्री टिकट 100 रुपये पर पर्सन है, जिसमें गाइड भी इंक्लूड होता है। तो वो आपको हर तरह के जितने भी अलग अलग तरीके हैं, चाहे वो हेयर प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपकी एसिडिक प्रॉब्लम्स हो, स्टमक प्रॉब्लम्स हो, लीवर प्रॉब्लम, उस सबकी हर्बल दवाइयाँ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ आना चाहें आ सकते हैं। आधा घंटा लगता है करीब करीब, छोटा सा है। अभी हम वापस यहाँ से निकल रहे हैं, तो चलिए आगे मिलते हैं। बेसिकली ये वो है स्पाइस गार्डन है। अलग अलग तरह के यहाँ पे जितने भी अगर आपको प्रॉब्लम्स हो उनकी दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, शुद्ध भाषा बोलूँ तो यहाँ पे मिलती है। अंदर शॉप भी, अगर आपको परचेज करना है तो आप अंदर जाके परचेज भी कर सकते हैं। एंट्री टिकट 100 रुपये गाइड के साथ। तो अब चलेंगे अंदर और अंदर जाके देखते हैं हमारे लिए क्या कुछ लेना है चीज़ें यहाँ पर। 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर टू प्रोग्राम है। ओके, हम ये आप लोग को पता है केरला का स्पेशलिटीज, केरला स्पेशल फॉर लाइक स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। इसका एडवर्टाइजमेंट्स बाहर नहीं होता है, जो भी गेस्ट इधर आते हैं उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। ओके, मैं इम्पोर्टेंट स्पाइसेस जो केरला का है और जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, खासकर लोग यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उसके बारे में एक अवेयरनेस देता हूँ, एक जानकारी देता हूँ। कुछ परचेस करने का तो सोसाइटी मिलेगा, सोसाइटी से परचेस कर सकते। ये टू स्टार्ट विथ जायफल, ये बता रहा हूँ ये जब पकेगा ना पीला कलर हो जाएगा। पीला होने के बाद में इसका नीचे का जो पोर्शन है वो कटिंग दिख रहा ना, एक नीचे उसका नीचे कटिंग दिखेगा ऐसा क्रॉस, वो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर से जायफल और जावित्री दोनों नीचे गिरेगा। जायफल जो बीज जैसा होता है उसके ऊपर फूल जैसा जो जावित्री होता है अटैच होता है। ये नीचे गिरने के बाद में हम लोग उसको सेपरेट करते हैं, सेपरेट करके ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद में यूज होता है जावित्री, तो आप लोग पता है मसाला में यूज होता है। जायफल बच्चों को घिस के देते हैं डाइजेशन, लेकिन इसमें हमारे लिए और ज्यादा इम्पोर्टेंस है जावित्री जायफल का। ये क्यों मालूम है? जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कंज्यूम करने का होता है, हर एक मेडिसिन में जायफल जावित्री आ गया थोड़ा बहुत। क्यों मालूम है? एक ही जड़ी बूटी से दवाई नहीं बनता है, उसको बहुत सा सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो हर एक इंग्रेडिएंट हर एक का बॉडी में सूट होना बोल के नहीं है। गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी, ये सब आने का चांसेस है, वो अवॉइड करने के लिए जायफल। ये फिल्म भी फ्रूट है। ये क्या होता है? थोड़ा सा इमली का ये है, जूसी है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल और हार्ट प्रोटेक्शन के लिए जितना भी दवाई बनता है आयुर्वेदा में यहाँ पे केरला में, इसकी भी उसके पहले एक बात बता देता हूँ। अभी ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, बीपी के लिए और डायबिटीज के लिए जो दवाई है वो पॉपुलर क्यों है मालूम है इधर का? ये साइड इफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन कैन बी कम्प्लीटली स्टॉप्ड, जो भी पेशेंट से कम्प्लीटली स्टॉप कर सकते। जैसे कि अभी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए है तो 2 मंथ्स का कोर्स है। 2 मंथ्स का कोर्स के बाद में वो पेशेंट कम से कम 1.5 साल से लेकर 2 साल तक एक भी टैबलेट कंज्यूम करने की जरूरत इज इम्पोर्टेंट। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, कंट्रोल करके रखता है। और एक बात है, बीपी के लिए तो 3 महीने का कोर्स है, मिनिमम 1.5 to 2 इयर्स। डायबिटीज आल्सो 3 मंथ्स का कोर्स है, मिनिमम 1.5 to 2 इयर्स। ये 1.5 to 2 इयर्स हम लोग मिनिमम बताते हैं। एक्चुअली क्या मालूम है, इसका इसमें एक डाइट इश्यू है। हमको 3 इयर्स 3.5 इयर्स भी मिलने वाला पेशेंट है, लेकिन हम लोग उतना डेड एंड कमिट नहीं करते हैं। बिकॉज ये हम लोग 3 साल 4 साल पूरा बोलने से लोग खुशी खुशी लोग लेके जाते हैं, लेकिन उनके डाइट की वजह से अगर रिजल्ट कम हो गया तो उनको करने आ जाएगा। उनको भी प्रॉब्लम है, हमको भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम लोग मिनिमम बताते हैं, इफ द पेशेंट इज फॉलोइंग प्रॉपर डाइट दे कैन गेट मच मोर लॉन्गर टाइम। ओके, मैं कार्ड की बताता हूँ आपको आगे, क्यों ये हाइट में है ना, इसके लिए ये कार्ड के सुखाने से ब्लैक हो जाते हैं। ओके, लेकिन ये कार्ड बिना ऐसे ही छोड़ दो तो पक जाएगा, रेडिश हो जाएगा। ये रेडिश होने के बाद में उसको कार्ड के गर्म पानी में डाल के रखते हैं 10-15 मिनट्स। उसके बाद में कार्ड के हाथ से रब कर लो, वो रेडिश स्किन जो है निकल जाएगा। उसके बाद में वो व्हाइट पेपर है। अच्छा, ओके ओके ओके, मतलब द क्लाइंबर इज सेम फॉर ब्लैक पेपर, ओनली द प्रोसेस इज डिफरेंट। वो अभी एक्चुअली ग्रीन पेपर से 3 स्टेजेस बताते हैं हम लोग इसमें, ग्रीन, ब्लैक एंड व्हाइट। ये ग्रीन पेपर जो है मोस्टली प्लेसेस दे प्रिपेयर पिकल्स, पेपर पिकल्स। ओके, वो ग्रीन भी यूज होता है, एट द सेम टाइम ब्लैक देन व्हाइट। इंडिया में कम यूज करते हैं वो, क्योंकि वो तीखा कम हो जाता है, स्पाइसी कम हो जाता है, वो चाइनीज फूड्स में फॉरनर्स ज्यादा यूज। और एक बात इम्पोर्टेंट है, आप लोग को जो आप लोग का मार्केट में मिलता है वो वाला पेपर नहीं है। केरला पेपर इज टोटली डिफरेंट बिकॉज इट विल बी मोस्ट स्पाइसी, ज्यादा स्पाइसी होता है। मैं आप लोग
कि जॉइंट पेन्स क्यों होता है मैम आपको पता है 40 इयर्स एज होते ही सेरेब्रल फ्लूइड जो है ड्राई अप हो जाता है बोन्स क्रश होने के लिए स्टार्ट हो जाता है तब जाके पेन स्टार्ट होता है इसका फंक्शन ही वही है अफेक्टेड एरियाज में आर्टिफिशियल फ्लूइड रीजनरेट करना कंज्यूमिंग मेडिसिन प्लस एप्लीकेशन बिलो 5 इयर्स प्रॉब्लम 1 मंथ एक्यूट या क्रॉनिक है तो 2 मंथ्स लेकिन एक बात यहां पे आने का गेस्ट को एक रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग ये कुछ भी मतलब डॉक्टर्स अभी किसी को आपका फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को नेबर्स को किसी को भी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सजेस्ट किया है इन फ्यूचर करेंगे तो वो करने के पहले हमको एक महीने का टाइम देके देखो एक चांस हमको देके देखो इतने साल से दवाई खा के लास्ट को अभी नी रिप्लेसमेंट तक आ चुका है हम लोग क्या बताते हैं मालूम है अभी एक क्यों बताते हैं मालूम है एक तो कॉस्ट नी रिप्लेसमेंट का कॉस्ट आपको पता होगा शायद 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख ऐसा डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल्स हम लोग क्या बताते हैं मालूम है 2 महीना आगे ऑपरेशन रेडी रखो ये 2 लाख 3 लाख जितना भी है वो भी रेडी रखो उसमें से 3,500 रुपये खर्चा करके ट्राई करने में क्या जाए बिल्कुल 3,500 रुपीज़ है कॉस्टली है इनिशियल स्टेज में सुनने में कॉस्टली है लेकिन क्या आप महीना महीना दवाई कंज्यूम करने का ये सब सोचने में फिजिबल है एट ए टाइम 3,500 रिजल्ट नहीं है तो हमारे पास एक जितना भी मेडिसिन लेके जा रहे हैं ना उसका पूरा का डबल पैसा देने के लिए हम लोग तैयार इससे ज्यादा हम लोग एश्योर कैसे कर सकते हैं ये 1 मंथ का हम लोग 1 महीना क्यों पूछते मतलब 5 to 8 days हम लोग बताते द डे 1 ऑनवर्ड्स यहाँ से लेके जाके होटल में है पूरा नाम इसका पेरियार स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक गार्डन इस वक्त हम खड़े हैं पेरियार स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक गार्डन में और पहले का पार्ट आप देख चुके हैं अब आपको मिलाते हैं हमारे गाइड से इनका नाम है सर आपका नाम हरी जी हरी जी बेसिकली क्या है ये जगह अगर यहाँ पे कोई आना चाहे तो क्यों ये जगह आना चाहिए पहली चीज एक्चुअली यहाँ पे आने से क्या है केरला का आयुर्वेदिक केरला का स्पाइसेस का और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में एक जानकारी मिलेगा ओके उसका वो वर्थ कितना वर्थ है ओके वो मेडिसिन यूज करने के बाद में आपको उसका जो रिजल्ट मिलता है ओके टोटली डिफरेंट ओके ओके और इवन स्पाइसेस जो है विद ऑयल जो स्पाइसेस है सब यहाँ पे ऑर्गेनिक स्पाइसेस मिलेगा ओके दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ओके ओके कितनी तरह की स्पाइसेस होगी यहाँ पे स्पाइसेस तो ऑलमोस्ट ऑल स्पाइसेस जो मार्केट में ऑलमोस्ट ऑल स्पाइसेस ओके ओके बेसिकली क्या होता है ये डिफरेंस क्या है मालूम है लाइक आप लोग को जो मार्केट में ऑयल एक्सट्रैक्ट करके जो चीज मिलता है यहाँ पे विद ऑयल जो स्पाइसेस है वो मिल सब मिलेगा वो मिलते हैं तो ये जगह आनी ही चाहिए लोगों को 100% थैंक यू बहुत बहुत आपका टाइम देने के लिए और हमें घुमाने के लिए बहुत अच्छी जगह लगी स्पाइसेस के थैंक और हम आ गए मुनार के ठीक नीचे एक रेस्टोरेंट इसका नाम है लक्ष्मी रेस्टोरेंट है ये बहुत सुंदर है यहाँ थोड़ी हवाएं ठंडी ठंडी चालू हुई है थोड़ी सी ठंडी कह सकते हो बाकी टेम्परेचर नीचे था बहुत गर्म था और इस समय आपको मैं वहाँ का व्यू दिखा देता हूँ जरा एक्चुअली आउटस्कर्ट्स हैं सारे रेस्टोरेंट है आसपास और ये जो आप देखिए कुछ आप देख रहे हैं ना ये इस तो मुनार की पहाड़ है बहुत ही सुंदर है फिलहाल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है लंच करेंगे क्योंकि थकान हो चुकी है 4 बज चुके हैं और हवाएं बहुत अच्छी चल रही है यहाँ आके अच्छा लग रहा है नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए पता नहीं सकता आपको खैर अब लंच करेंगे और आगे बढ़ेंगे और कोई एक्टिविटी होगी तो आपको भी लेके चलेंगे फिलहाल अंदर जाते हैं और बहुत तेज भूख लग रही है तो लंच करते हैं ऊपर मुनार है वो ऊपर जो होटल्स बने हैं वो मुनार है वो एक होटल दिख रहा होगा आपको मुनार नहीं तो क्या है मुनार ने उधर से 10 किलोमीटर है मुनार अच्छा उधर से 10 किलोमीटर है मुनार बहुत ही ब्यूटीफुल है बहुत ब्यूटीफुल Is it standing right in front of me? Will anyone out there remember me for the good I've done? Not for my enemies. Oh, I would give my life for another chance to make things right. और हम आ गए हैं टी विलेज मुनार बहुत ही सुंदर है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और आपको मैं इसका व्यू दिखाता हूँ उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ इस जगह की खूबसूरती का अंदाज़ा मैं आपको बता मतलब मैं दिखाऊं लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है उसका बता नहीं सकता बहुत ही सुंदर है अब मैं आपको बता रहा हूँ इसकी खूबसूरती देखते यहाँ से इसकी एंट्री है यहाँ से आते हैं और ये आप देख रहे हैं ये बना हुआ है पीछे ब्यूटीफुल लैंडस्लाइड है आप देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे आपको दिखेगी चारों तरफ घाटियाँ चारों तरफ पहाड़ शांति सुकून दूर दूर तक कोई भी नहीं है
ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ब्यूटीफुल, आपको ब्यूटीफुल। ये देखिए ये है होटल, चारों तरफ पहाड़ियाँ और ये पीछे जो आप देख रहे हैं मेरे, शानदार व्यू, शानदार व्यू जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर। देखिए चारों तरफ पहाड़ियाँ, देख कितनी शानदार लग रही है। इस जगह के बारे में क्या बताऊं गाइस, बहुत अच्छी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है, मौसम इतना अच्छा है, शांत इतना है, पिन ड्रॉप साइलेंट है और पीछे चारों तरफ पहाड़ियाँ घाटियाँ, दिल को मतलब कहते ना एकदम मज़ा आ गया, मतलब इस जगह बता नहीं सकता। आपसे मिलेंगे रूम में जा रहा हूँ मैं, हम देखेंगे कैसा रूम है, कैसा ही होटल है। ये जो होटल का नाम है वो है टी विलेज मुनार में है और यहाँ आप आ सकते हैं। जो कोचिन में हम रुके थे वो रुके थे स्टारलेट और टी विलेज मुनार, बहुत अच्छा होटल है। अगर आप आए मुनार तो यहाँ पे आप ठहर सकते हैं। बाकी अब रूम देखेंगे, उसमें जाएंगे शाम के करीब 5:30 बज रही है। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, दिन अभी देखें अगर कोई एक्टिविटी हुई तो आपको बताएंगे, नहीं तो फिर दिन आज का ख़त्म हो जाएगा और फिर हम कल मिलेंगे, कल भी हमारा सेकेंड डे मुनार में है। तो फिलहाल रूम में चलते हैं, रूम दिखाते हैं और उसके बाद अगर कोई एक्टिविटी होती है। और हम ये हमारा क्योंकि हिल स्टेशन है तो रूम नीचे की तरफ आया है। ये देखिए हम ऊपर से आए, ये हमारा नीचे आया है, बेसमेंट में -2 खन नीचे आए हैं और ये शायद यहाँ हमारा ये दरवाज़ा ये जंगल है सामने, आप देख सकते हैं जंगल ही जंगल, गजब। ये देखिए ये रूम, जो होटल का रिसेप्शन है वो काफ़ी ऊपर है, हम तो काफ़ी नीचे हैं उस हिसाब से। और ये इस गेट को बंद कर देते हैं, रूम दिखाता हूँ आपको पहले जल्दी से चल के। ये एक रूम कुछ इस तरह का है, ये हमारी बालकनी है बाहर की, देखिए इसको खोल देते हैं एक बार। ये देखिए ब्यूटीफुल है ना सिनेरियो, देखिए कितना सही लग रहा है माहौल यहाँ का। ये रूम्स ऐसे ही यहाँ पे देखिए, एक वो रूम वहाँ पे जो है वो भी नीचे है। और बाकी अंदर चलते हैं और अंदर आपको बताते हैं कैसे क्या है। ये है रूम, ये है बेड और ये सब चीज़ें। कुल ना कि बहुत ही अच्छी लोकेशन है, अगर आप आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। ये शायद वॉशरूम होगा आई थिंक, ओह इन्होंने ये ड्रेसिंग के साथ दिया है, काफ़ी बड़ा है एक्चुअली में। थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं उसके बाद इस वीडियो को, आज के दिन के वाली वीडियो को, मतलब कि आज के पूरे दिन भर को यहीं समाप्त करने का समय आ गया है क्योंकि अब थक चुके हैं। तो इस कैमरे को करेंगे बंद और अब करेंगे थोड़ी देर आराम और आपको मिलेंगे हम कल, यानी कि हमारे कैमरे की तीसरे। थैंक यू सो मच गाइस।